नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पे ये देखिए रेलवे फाटक भी खुला हुआ है, रेलवे फाटक भी खुला हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इधर भी आप देख सकते हैं, और इधर भी गाड़ियों की अगर लाइन की बात किया जाए तो आप एक से दो किलोमीटर तक आप देख सकते हैं ये लगातार जाम लगा हुआ है। ये जौनपुर का मड़ियाहू क्षेत्र पड़ता है और ये मड़ियाहू की क्रॉसिंग है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं जो एम्बुलेंस से अगर कहीं पर जाना चाहते हैं इमरजेंसी में, यहाँ पर पीछे अगर हम बात करें तो कम से कम से दो तीन एम्बुलेंस बजी हुई है। और साहब ये देख सकते हैं ये खुला भी है। अगर यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक पुलिस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक भी ट्रैफिक पुलिस इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखिए आम पब्लिक है यहाँ पे, ये यहाँ से गाड़ियों को पास करा रहे हैं। हम लोग थोड़ा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जाम यहाँ कैसे लग जाता है? अरे भाई पहले कैसे यहाँ क्या जाने जानता, पूछो जनता बताइए। अच्छा ये बताइए जाम यहाँ कैसे लगता है? फाटक बोल, यहाँ पीछे एम्बुलेंस, बहुत सारी एम्बुलेंस लगी हुई है और उसमें मरीज है। अगर वो मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस वाले होंगे। ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दिखाई दे रही, एक भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। ये जौनपुर का मड़ियाहू है, मड़ियाहू तहसील है और ये मड़ियाहू की क्रॉसिंग ओवर है। अगर हम ये यहाँ ओवर ब्रिज है ना, क्या जानता पूछो बाबा जी, सब पूछो। ये कितने देर से आप यहाँ जाम में? अभी 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 सर अभी अभी कितना देर से जाम में फंसे हुए हैं? कितना देर से? एक घंटे। आपको बता दें किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को रिपोर्ट कराना है, किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना है, ऐसे में लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं। ये देखिए सांसद की गाड़ी आ रही है, अब बताइए कैसे प्रतिनिधि निकलेंगे? यहाँ पे देख सकते हैं लगातार ऐसे यहाँ पे आए दिन जाम लगा रहता है और एक एक किलोमीटर ये जाम लगा रहता है। अगर नेताओं की बात की जाए इसी गाड़ी से घूमते हैं लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप यहाँ देख सकते हैं इधर एक किलोमीटर तक पूरा इधर लगा हुआ है। हम बात करें देख सकते हैं इधर भी कितना, अब ये देखिए पुलिस की गाड़ी आ रही है लेकिन यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, न कोई जिम्मेदार यहाँ पे लोग है, नेता है। ये आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम है, रेलवे फाटक खुला हुआ है लेकिन आखिर जाम क्यों लगा हुआ है? जाम लगा हुआ है। देखिए यहाँ हम पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी कितने देर से आप फंसे हुए हैं जाम में? आधे घंटे से। देखिए चाचा जी बता रहे हैं आधे घंटे से जाम में फंसे हुए। तो आप ये देख सकते हैं कितना देर हुआ भैया जाम लगे? भैया हम तो अभी भी आ रहे हैं। हाँ, कितना देर से देख रहे हैं? ये तो लगभग 20 मिनट हो गया, 25 मिनट ना। यहाँ पे ये अगर हम रेलवे क्रॉसिंग की बात करें ये खुला भी है, आखिर ये जाम क्यों लगता है यहाँ? जाम इसलिए लगता है कि तिराहा है। हाँ। तीनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। हाँ। आवागमन का कोई रूल नहीं है। हाँ। इसलिए दिक्कत होती है। और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे क्यों नहीं? ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं तो रहेगी कहाँ से? साहब ये जौनपुर का मड़ियाहू है और आपको बता दें कि ये रेलवे क्रॉसिंग भी है लेकिन यहाँ पे आए दिने लोग फंसे रहते हैं। किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आम पब्लिक हम इसे बात यहाँ पे पूरा गाड़ी एकदम लाइन से इधर भी दिखा सकते हैं, एक किलोमीटर से लंबा जाम लगा हुआ है। इस साइड अगर जौनपुर की बात किया जाए इसमें भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे आम जनता जो है वो लगातार परेशान होती है लेकिन उस पर अगर प्रशासन की बात किया जाए नहीं आ पाते हैं। जनता मदद करता ही बताया। हाँ, जनता मदद कर रही है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं आपको, ऑन कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पे जनता मदद कर रही है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एक भी नहीं है। अनिल दुबे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। तो ये मित्रों ये हम लोग थे जौनपुर के मड़ियाहू में और आपको बता दें कि यहाँ पे जो जाम है ये कम से एक घंटे से लगा हुआ है। हम लोग भी इस जाम में फंसे हुए थे और यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग की बात किया जाए तो रेलवे क्रॉसिंग खुली थी लेकिन यहाँ जो पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, वो इतना परेशान थी जिसको देखने के बाद लगा कि ये दिखाया जाए। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।